अब दिक्कत आती है कि भैया एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। सर आपने ये तो बता दिया कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस तो सर आपने बता दिया, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स में डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे समझना बच्चे, आपका जब भी कभी क्या होता है, एक फंक्शन, फंक्शन टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या होती है फंक्शन की डेफिनेशन, दूसरा क्या होता है आपका उसकी बॉडी, और तीसरा होता है उसकी कॉलिंग। तो जो कॉलिंग होता है, कॉलिंग में हम लोग एक्चुअल वैल्यू देते हैं। हम लोग वैल्यू कहाँ पे देते हैं, एक्चुअली हम लोग वैल्यू कॉलिंग में देते हैं। इनपुट कहाँ से आता है, इनपुट कहाँ से आता है, इनपुट कहाँ से आता है, इनपुट आपके कॉलिंग से आता है। तो एक्चुअल पैरामीटर्स कहाँ पे होते हैं, कॉलिंग स्टेटमेंट में। एक्चुअल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉलिंग स्टेटमेंट में होते हैं। और फॉर्मल कहाँ पे होते हैं, ये डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या होता है आपका, फॉर्मल वाला होता है। डेफिनेशन में कौन सा होता है, फॉर्मल वाला। मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो इनपुट कहाँ पे होता है, यहाँ से, और यहाँ से एक कॉपी जाती है, ये तो हमने कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस में पढ़ा था। यहाँ से क्या जाती है, एक कॉपी जाती है डेफिनेशन के अंदर, तो वो कहलाता है फॉर्मल। मतलब ऐसे समझना कि आप एक्चुअल में जो होते हो वो कहाँ होते हो, अपने घर पे होते हो, ठीक है। जो आप हो वो तो अपने घर पे हो। आपकी एक कॉपी उठ के कहाँ चली जाती है, आपके ऑफिस में चली जाती है। आपकी कॉपी कहाँ उठ के चली जाती है, आपके ऑफिस में चली जाती है। तो वो ऑफिस में जो आपकी कॉपी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल। जैसे आपका एक एग्जांपल लेते हैं यासिर, ठीक है। तो यासिर एक्चुअल में अपने घर पे जैसा यासिर है वो एक्चुअल यासिर है, ठीक है। लेकिन जब ऑफिस में वो चला जाता है तो वो कौन सा ऑफिस कहलाता है, वो कौन सा हमारा कहलाता है, फॉर्मल यासिर कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं बच्चे, जब हम लोग फंक्शन को, जब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो कॉलिंग स्टेटमेंट में जो होता है, जो कॉलिंग स्टेटमेंट में होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है, ठीक है। और जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हमारा जो हमारी फॉर्मल होता है वो कहाँ पे होता है, फंक्शन डेफिनेशन में होता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूँ, फॉर्मल पैरामीटर की जो स्कोप होता है, जो उसका स्कोप होता है वो कहाँ तक होता है, ओनली, या फिर कह सकते हो इट्स ओनली अ लोकल वेरिएबल। वो जो फॉर्मल पैरामीटर जो डेफिनेशन बनाते हो ना, उसके नीचे ही पूरा का पूरा उसी के अंदर स्कोप उसका होता है। और ये आपका क्या होता है, इसकी कॉपी जाती है, इसकी वैल्यू की क्या जाती है बच्चे, कॉपी चली जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि फंक्शन डेफिनेशन में जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। और जो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बता देना, बाकी चैनल को क्या कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। सब्सक्राइब बोल लेता हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, सब्सक्राइब बोलता हूँ, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट बच्चे लोग, बाय बाय, टेक केयर।